गोल गप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी जब घर में आए। YouTube family, welcome back to my new vlog. So guys, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और अभी का प्लान ऐसा है कि अभी विक्की पहुंच चुका है शोरूम पे, TVS के शोरूम पे, और मैं जाता हूँ वहाँ पे और देखते हैं बाइक बुक करने वाला है विक्की। सो गोलू भी रेडी हो चुका है, गोलू और मम्मी जा रही है सरोजनी नगर और हम जा रहे हैं TVS के शोरूम। सो गाइस वहाँ जाकर मम्मी और गोलू भी निकल रहे हैं तो हम भी जाते हैं। हेलो कर दो, हम भी जा रहे हैं। मेरा यही लेके आना पड़ा, देर गई कितनी कितने की पड़ी? 151 की गाड़ी है, अब 154 की हो गई है। 165 यही लेने अभी बुक कनेक्ट इसमें अभी बुकिंग करने जा रहा हूँ उसकी मैं। गाइस आ गए हैं निखिल और विक्की। ये रहे, अरे ये रहे। आर यू रेडी फॉर द बाइक बुकिंग? हाउ द जोश? ये देखो आज के मॉर्निंग कुछ बच्चे इसी घटिया स्कूल में, ये भी पास आउट हुआ है। इस वाली को फाइनल करें। वैसे बाइक तो प्यारी लग रही है, उसका लिमिटेड एडिशन और भी तगड़ा। इसका फ्रंट ही बहुत प्यारा लग रहा है ना। पता है इसमें डिफरेंस क्या है लिमिटेड एडिशन में? इसमें बस वो रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन और फोन कनेक्शन। गाइस शोरूम पे पहुंच चुके हैं और बाइक देख रहे हैं और जिनसे बात हुई थी मोहित सर से, वो भी आ रहे हैं तो बाकी डिटेल वगैरह वही बताएंगे। गोल गप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी जब घर में आई है एवरेस्ट की पानी पूरी, हम नो चोरी चोरी मीठा बनवा देना भैया इन दोनों के लिए मीठा। अबे ले शर्मा मत, जब हम काम करते हो ऐसे फिर शर्माना क्या है? मैं नहीं खाता भाई मीठी। और बोलो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाइक पड़ी है 158,000 मतलब 160,000 की। सो गाइस विक्की ने बुकिंग करवा ली है बाइक की। ये उसका पर्चा, पर्चा दिखाओ इधर हल्का से दिखाना। बस डिटेल नहीं, डिटेल छुपा दे रहे क्या? तो यहाँ पे चल रही है कैलकुलेशन, हिसाब लगाया जा रहा है। मौसम हो रहा है कल की तरह बढ़िया और छीन ले तो गाइस एक दिक्कत हो गई है। अभी सवित ऑफिस से जल्दी घर आ गया है तो यार उससे पूछते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। वैसे उसने मुझे बताई है थोड़ी बात और मैं सोच रहा हूँ कि कैमरे के आगे वो पूरी बात बताए तो उससे जानते हैं कि क्या हुआ सवित के पास। सवित बता क्यों आया जल्दी आज घर, क्या हुआ था और ये बटन कैसे टूटे पहले ये बता। बटन भाई लड़ाई हो गई थी कंपनी में और ZTP हो गई है। ZTP मींस क्या होता है? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। 1 रुपया नहीं मिलेगा भाई, बना दिया। तो मतलब किस चीज़ के ऊपर लड़ाई हुई कुछ बता। लड़ाई क्या भाई, अपने दोस्तों की लड़ाई सॉल्व कर रहा था, उसमें जो बीच में बीधा बनना था उससे लड़ाई हो गई। तू कह रहा था उसने ड्रिंक भी कर रखी थी? हाँ दारू वारू पी के आया था। सो गाइस देख लो, गलती इसकी भी नहीं थी लेकिन नुकसान इसका भी हुआ है। तो यार ये तो काफ़ी गलत बात है, एक टाइम को कंपनी को भी समझना चाहिए। जो सामने वाला बंदा ड्रिंक करके बैठा है
तो उसका अगर करते हैं उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेते हैं तो ये समझ में आता है, लेकिन यार सवित की तो कोई गलती नहीं थी जहाँ तक मुझे लगता है यार। हमें साले कुछ दिख नहीं। सो गाइस घर पे बहुत ज़्यादा मूड खराब था तो इस वजह से हम बाहर आ गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो भाई विक्की भी खो गया, विक्की नहीं मिला, उसे ढूंढते हैं कहाँ है वो। मुझे तो लग रहा होगा भाई किसी कोने में खड़ा होकर हंस रहा होगा कि मुझे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। ऐसी है वो, बच्चा दिमाग है, अभी तक बड़ा नहीं हुआ वो, मैच्योर नहीं हुआ अभी तक। विक्की ग्रो अप भाई, तो पागल वागल है क्या, कहाँ गया था है, तू कहाँ गायब हो जाता है। रोड पे था, रोड पे था, इतना मारू रोड पे ही है, इतना मारू है ना, चूतिया बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, देखते हैं आगे। और हाँ बोल। तो गाइस मौसम हो रहा था बहुत ही प्यारा, बार बार गाइस गाइस क्यों बोल रहे साले, मजाक चढ़ के बहुत गंदी आदत हो रही है। सो फ्रेंड्स मौसम हो रहा था बहुत ही प्यारा, तो हमने सोचा एक वॉक पे निकला जाए। सो एक वॉक ही होता है, एक वॉक मार जाता बोलते हैं, तो एक वॉक पे निकला जाए और हम निकल चुके हैं, देखते हैं ऐसी रोड के साइड पे चलते हैं। बहुत बुरा पैर पे मेरी साइकिल चला रही है भाई, देख के नहीं चलाते क्या आप, सॉरी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, दिक्कत की कोई बात नहीं, आप आराम से जाओ, राइट सेफ, लेकिन रॉन्ग टर्न का मतलब रॉन्ग साइड मत चलाओ, आराम से जाओ, बी सेफ भाई। सो भाई कोई बात नहीं, अगर भाई तो अपने घर के लिए, अगर ऐसे ही आपको भी अगर कोई ठोक दे तो यार बच्चा है तो उसे छोड़ दो, और इस जैसा हुआ तो मरोड़ दो। सो गाइस पैसे निकाल लिए हैं एटीएम से और अब चलते हैं बाहर। गाइस पैसे आ गए हैं, आर यू रेडी फॉर एंजॉयमेंट। 40 रुपए बचे, 40 45 रुपए, 500 में, 800 में, वाह। सो गाइस 9 बज चुके हैं, लेकिन यार आज खाना बनाने में मम्मी को लेट हो गया, मम्मी अभी आई है सरोज नगर से थोड़ी देर पहले। इतना लेट क्यों हो गया गोलू आने में मार्केट से, साड़ी वाला पीको करके दे रहा था, पीको करके दे रहा था, पीको करके, अच्छा 2 घंटे अच्छा लग गए ऊपर से, फिर इतना। तो अभी रोटी सब्जी बन रखी है, बस रोटी बनेगी उसके बाद खाते हैं। सो गाइस अभी हो रहा है टाइम 9 o'clock और अब जाके मैं घर आया हूँ। सो सब अपने अपने घर जा चुके हैं, मैं भी अपने घर आ गया हूँ। सो इस वीडियो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, बाय यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।